उधर महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बीच बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार में भी उलटफेर की संभावना जता दी। उन्होंने दावा कर दिया कि विपक्षी एकता की बैठक की वजह से एनसीपी में विद्रोह हुआ और उनके मुताबिक बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बन रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि बिहार में महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग अलग बातचीत करनी शुरू कर दी। सुशील कुमार मोदी ने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र में उलटफेर को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं बिहार में भी कोई सियासी हंगामा न हो जाए। उधर महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी शुरू हो गई। आरएलडी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में विपक्ष की एकता पर तंज कसा और कह दिया कि विपक्ष की एकता कितनी ज्यादा अटूट है, इसका ट्रेलर महाराष्ट्र में देखने को मिल गया। विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। इतना ही नहीं, इशारों में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कह दिया ये इसीलिए भी होना था क्योंकि जिस माँ के गर्भ में विपक्षी एकता का शिशु था वो माँ ही कुपोषित है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में विपक्षी एकता के कई टुकड़े होंगे। हालांकि सुशील कुमार मोदी के दावे पर जेडीयू नेता मदन सैनी ने तंज कसा। उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में गठबंधन के नेता एकजुट हैं और विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मदन सैनी ने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र जैसा कुछ नहीं होने वाला। कोई मायका लाल यहाँ पैदा लिया है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कोई काट पैदा कर सके। मदन सैनी ने सुशील कुमार मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू को कोई तोड़ नहीं सकता। बिहार में गठबंधन के नेता एकजुट हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। इधर बिहार के सहरसा से बीजेपी विधायक आलोक रंजन ने महाराष्ट्र में हुए एनसीपी में टूट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में बहुत जल्द खेल होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू के सांसद और विधायक ही नीतीश कुमार के आचरण और व्यवहार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के जनादेश के साथ दगा किया, धोखा किया। बीजेपी विधायक आलोक रंजन ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई, उसी तरह यहां भी खेल होगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि आने वाले दिनों में बिहार से जेडीयू का सफाया हो जाएगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में मंत्रिपरिषद की एक बहुत बड़ी बैठक होगी। इस दौरान पीएम मोदी अपने मंत्रियों के काम की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान कुछ मंत्रालय अपने काम की प्रेजेंटेशन देंगे, जिसके बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी पर चल रही बहस के बीच आज कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में यूसीसी पर चर्चा होगी और सभी सांसदों से यूसीसी पर उनकी राय ली जाएगी। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे। आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के दौरान यूसीसी बिल को पेश कर सकती है और ऐसे में उससे पहले आज ये बैठक बुलाई गई है।